नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो नई लिस्ट आई है उसमें आपका नाम कैसे चेक करना है। तो लॉकडाउन में सबसे अधिक प्रभावित गरीब किसान और मजदूरों को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। बता दें कि इस योजना के तहत हर साल सरकार किसानों को 6,000 रुपये, 2,000 रुपये के 3 किस्तों में देती है। और ये भी बता दें कि 2020 के लिए सरकारी वेबसाइट, जो वेबसाइट ओपन है, इस पर जो है नई लिस्ट अपलोड हो रही है। अगर आपने आवेदन किया है और ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम 6,000 सालाना पाने के लिस्ट में आया है या नहीं, तो इस वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं, जो वेबसाइट मैंने ओपन की। इसी वेबसाइट पर आपको डिटेल में बताऊंगा आपको नाम कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है आपको डिस्क्रिप्शन में दी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। तो इसमें आपको यहाँ पर जाना है फार्मर्स कॉर्नर, जो यहाँ पे लिंक है इस पे जाना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ये क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो आपको जो डिटेल्स है वो डालनी होगी। यहाँ पे स्टेट, तो आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से स्टेट से हो। तो अभी एग्जाम्पल के उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, तो एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो हम कर लेते हैं ऐसी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते सब डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तो एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है गांव का नाम सेलेक्ट करना होगा, आपके गांव का नाम। तो एक हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेते हैं किसी गाँव का नाम। और ये जब आप ये सब डिटेल डाल दोगे उसके बाद आपको सिंपली गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो जिन जिन को राशि भेज दी गई है उन सब के यहाँ पे नाम आ गए हैं। तो इसी तरह का आप यहाँ पे दूसरे कोई स्टेट्स को भी चेक कर सकते हो जाके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं राजस्थान, तो वैसे जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, उसी तरह आपको यहाँ पे चेक करना है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में गांव सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फार्मर नेम, तो आपको फार्मर नेम में चेक करना है कि आपका नाम आया है नहीं।